આજે આપણે ધોરણ 7 માં હિન્દી વિષયમાં જોશું કે 7 નું પ્રકરણ બડે કહાની એટલે કે એક તમને વાર્તા આપેલી હોય એ આગળ અને આગળ વધે તો આ બડે કહાની એક મુર્ગી અને એક કૌવા એટલે કે કાગડાની છે તો એમાં એ લોકો શું કહે છે કે એક કૌવા હતા और एक मुर्गी थी वो दोनों एक घर में साथ-साथ रहते थे और दोनों अपना अपना दाना चुनकर बाहर से लाते थे मुर्गी अपने लिए और कौवा अपने लिए तो वो दोनों ने इतना सारा दाना इकट्ठा किया कि उसके घर में दाना सभी जगह दाना ही दाना हो गया कि उसके घर के सभी जो बर्तन थे वो सब दाने से भर गए इसलिए एक दिन कौवे ने कहा कि हमारे घर में तो बहुत सारा दाना हो गया है लेकिन चावल नहीं है तो मैं चावल लेकर आता हूं तुम अपने जो घर का है वो दरवाजा बंद कर देना तो उसने कहा ठीक है मुर्गी ने किससे कहा था उसने मुर्गी से कहा था तो मुर्गी ने कहा कि ठीक है मैं घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दूंगी लॉक कर दूंगी तुम क्या लेने जाओ चावल लेने जाओ तो इस तरह कौवा है जो वो चावल लेने चला गया और मुर्गी ने अंदर से अपना दरवाजा बंद कर लिया घर का जो दरवाजा था वो अंदर से बंद कर लिया जैसे ही वो दरवाजा बंद करके अंदर अपना काम करने के लिए गई तो किसी ने बाहर से आके उसका दरवाजा धोखा वो खटखटाया तो मुर्गी अंदर से सोचने लगी इस वक्त कौन होगा कौवा तो क्या लेने गया था चावल लेने क्योंकि घर में चावल नहीं थे तो चावल यानी चोखा अपने भात बनाई ने राइस इन्हें कहलाए चावल तो ये चावल लेने गया था वो तो उसने कहा कि कौन है नॉक नॉक किया था किसने घोड़े ने तो कौवा जो मुर्गी है कौवा नहीं था वो तो चावल लेने गया था तो मुर्गी ने कहा कि कौन है तो घोड़े ने बोला मुर्गी मुर्गी मैं हूँ मुझे बहुत भूख लगी है मुझे थोड़ा दाना दो तो मुर्गी ने बोला नहीं मैं दरवाजा तो खोलूंगी नहीं क्यों क्योंकि कौवे ने मनाई की थी क्योंकि कोई दाना उठाकर ले जाएगा इसलिए मुर्गी ने दरवाजा नहीं खोला तो घोड़े ने फिर से बेचारा होकर उदास होकर कहा कि मुर्गी दरवाजा खोलो मुझे बहुत भूख लगी है मुझे थोड़ा दाना दो तो मुर्गी को बेचारी को दया आ गई वो बोलने लगी अपने मन में सोचने लगी कि घोड़ा बेचारा बहुत भूखा है और हमारे पास तो बहुत सारा दाना है तो क्यों ना मैं थोड़ा दाना उसे दे दूं तो मुर्गी ने दरवाजा खोला और दाना जो है वो घोड़े को दे दिया तो घोड़ा है वो सारा दाना खा गया अब मुर्गी सोचने लगी कि जो कौवा वापस आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी ये सोचकर वो एक उसके घर में चक्की थी चक्की चक्की को क्या कहते हैं ये दो बड़े बड़े पत्थर होते हैं गोल गोल दो बड़े बड़े क्या होते हैं पत्थर और वो पत्थर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए होते हैं जहाँ पे ऊपर बड़ा होल होता है और उस होल में दाना डालने के बाद उसे फिराते हैं ऊपर से गोल गोल घुमाते हैं तो अंदर का जो दाना है वो क्या बन जाता है आटा दाना जो है वो पिस जाता है और पिसने के बाद वो आटा बन जाता है तो मुर्गी जो है वो चक्की जो ये दो बड़े बड़े पत्थर थे चक्की रूप में उसके पीछे जाकर वो छुप गई तो छुप गई इसलिए थोड़ी देर के बाद कौवा आया और कौवा दरवाजे तो खुला था घोड़ा तो दाना खाकर चला गया तो कौवे ने आकर चिल्लाया इसलिए भूम बाली भूम क्या बोलते हैं भूम को चिल्लाया कि मुर्गी मुर्गी उसने क्या बोला मुर्गी मुर्गी घर में तो मुर्गी ही थी वो कुत्तों
ચાવલ લઈને ગયા હતા કૌવા જોઈને હું તો મુર્ગી મુર્ગી ઉસને ચિલ્લાયા લેકિન મુર્ગીને આવાજ નહીં થી ક્યું ક્યોંકિ વો તો ડર ગઈ થી ક્યોંકિ ઉસને સારા દાના ઘોડે કો ખિલા દિયા થા ઓર વો સોચ રહી થી કે જબ કૌવા આયેગા તો મેં ઉસે ક્યા જવાબ દૂંગી સારા દાના તો ઘોડા ખા ગયા હૈ ઠીક હૈ તો ઉસને તો કોઈ આવાજ નહીં થી જવાબ ભી નહીં દિયા તો इसी तरह वो छुपकर बैठी रही। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद बिल्ली रानी आई। बिल्ली रानी आकर बोलती है, मुर्गी मुर्गी मुझे अपनी चक्की दो। मुझे क्या करना है, चक्की में क्या होता है, आटा बनता है, तो उसे दाना पीस कर आटा बनाना था। तो कौवे ने बोला कि मुर्गी तो है नहीं, मैं भी कभी से उसे आवाज दे रहा हूँ लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो घर में नहीं है। तो कौवे ने कहा बिल्ली से कि तुम अपना दाना यहीं पर ले आओ और यहाँ आकर हमारी चक्की जो है उसमें अपना दाना बेच लो, क्योंकि मुर्गी तो नहीं, उसके पूछे बिना तो मैं अपनी चक्की आपको नहीं दे सकता। बिल्ली रानी ये भी बात ठीक है, आपके घर में भी कोई कुछ लेने आता है तो आप बोलते हो ना कि मम्मी को पूछ के दूंगी, मम्मी को पूछे बिना तो मैं कुछ भी नहीं देती, ठीक है, या देता, लड़का हो तो देता, लड़की हो तो देती। हाँ, तो इसी तरह कौवे ने भी कह दिया कि आप अपना बिल्ली रानी दाना लेकर इधर आ जाओ और अपना जो दाना है वो इस चक्की में पीस लो और आटा बना लो। तो बिल्ली रानी ने बोला ये भी बात ठीक है, चलो मैं अपना दाना लेकर ही आती हूँ। तो वो अपने घर में अपना दाना लेने गई और थोड़ी देर के बाद दाना लेकर वापस आई, कहाँ पर, कौवे के और मुर्गी के घर पे, ठीक है। तो वो दाना चक्की में डालकर पीसने की ट्राई करने लगी, कोशिश करने लगी। तो पहली बार उसने मुर्गी पर के दाना किस में डाला, चक्की में। मैंने बोला था ना कि एक पत्थर है उसमें बड़ा होल होता है जिसमें हम मुट्ठी भर भर के दाना डाल सकते हैं। तो एक मुट्ठी दाना उसने उसके अंदर डाला, किसमें, चक्की के ऊपर के पत्थर में। तो दाना तो मुर्गी ने, वो मुर्गी पीछे ही बैठी थी तो उसने चट से अपने मुंह में भर लिया। चट भरना है मतलब सब कुछ खत्म कर देना। जो बिल्ली ने मुट्ठी भर के दाना डाला था वो मुट्ठी का मुट्ठी दाना वो अपने मुंह में चट कर गई, मुट्ठी में मुट्ठी का दाना था वो अपने मुंह में भर लिया उसने, पूरा का पूरा दाना, पूरे का पूरा मुट्ठी भर दाना, ठीक है। तो बिल्ली ने चक्की पे से आटा नहीं निकला तो उसने दूसरी मुट्ठी भरी और दूसरी मुट्ठी भर के चक्की में डाली। तो मुर्गी तो पीछे ही अभी तक बैठी हुई थी तो उसने फिर से वो जो दूसरी मुट्ठी का दाना था वो भी अपने मुंह में भर लिया, सारा चट कर लिया। तो फिर बिल्ली आटा पीसने लगी तो फिर भी आटा नहीं निकला। तो वो सोचने लगी कि ये मैंने दो मुट्ठी दाना डाला फिर भी आटा क्यों नहीं निकला, दाना तो पीसना चाहिए ना, हाँ, क्योंकि उसने दो मुट्ठी दाना डाला था, पीसा तो नहीं। तो वो कौवे को बोली, कौवा भाई इसके अंदर तो दाना पीसता ही नहीं है, आटा निकलता ही नहीं है। तो कौवे ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, दाना डालने के बाद चक्की में से आटा तो पीस के बाहर आता ही है। तो उसने बोला चलो हम चक्की के आगे पीछे कुछ देखते हैं, कुछ हो गया होगा, गड़बड़ होगी उसके अंदर कुछ, तो दाना नहीं पीसता होगा। तो बिल्ली रानी ने बोला ठीक है चलो हम देखते हैं। तो फिर दोनों चक्की के पास आए और उसने पीछे जाके देखा तो वहां पे कौन था, मुर्गी छुपी हुई बैठी थी जिसने दो मुट्ठी दाना अपने मुंह में भरा हुआ था तो उसका मुंह ऐसे फूल गया था। दो मुट्ठी दाना, आप दो निवाले अपने मुंह में भर के देखो, इतने इतने अपने गाल बड़े बड़े हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही मुर्गी ने अपने मुंह में दो बड़े बड़े गाल जो थे वो फुला लिए थे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर दो मुट्ठी दाना जो बिल्ली ने चक्की में डाला था वो चट कर लिया था तो उसका मुंह ऐसे फूल गया था। तो कौवा ने उसे देखकर हंसने लगा, कौवा भी उसे देखकर हंसने लगा कि उसके गाल बड़े बड़े हो गए थे, फूल गए थे।
ठीक है। तो इस तरह बिल्ली को अपने दाने वापस मिल गए और मुर्गी ने जो है वो सारे दाने बिल्ली को वापस दे दिए। तो इस तरह मुर्गी भी मिल गई और बिल्ली को अपने दाने भी मिल गए। तो ये थी आज की हमारी कहानी बड़े कहानी स्टैंडर्ड 17 धोरण 7 की, ठीक है। आगे की कहानी के जो अभ्यास है और स्वाध्याय है वो हम स्वाध्याय पोथी में देखेंगे। अगला वीडियो में स्वाध्याय पोथी में क्वेश्चन आंसर का और ग्रामर का देंगे। तब तक आप ये कहानी पढ़ना, ठीक है।